सिद्धार्थनगर महोत्सव के पांचवे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन में लैंड किया। उसके बाद सांसद खेल महाकुंभ में सिद्धार्थ स्टेडियम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया। उसके बाद सिद्धार्थनगर महोत्सव स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन पर सिद्धार्थनगर महोत्सव के मंच पर मुख्यमंत्री का जोरदार भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस सिद्धार्थनगर महोत्सव के रूप में भव्य रूप से मनाया जाने लगा है। राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था, ऐसे पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर यहाँ का मेडिकल कॉलेज आज बन करके तैयार है। जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है और कुछ ही समय के बाद ये मेडिकल कॉलेज अपनी उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न केवल जनपद सिद्धार्थनगर बल्कि अगल बगल के जनपदों और देशों के नागरिकों को भी उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज मुझे प्रसन्नता है जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी पुरातन पहचान को एक बार फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मुश्किल से 17-18 वर्ष का एक नौजवान सिद्धार्थ महोत्सव का लोगो बनाता है। ये दिखाता है यहाँ पर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच चाहिए था। उस नौजवान को यहाँ पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस दूसरे महोत्सव के अवसर पर काला नमक चावल को इस जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने प्रमोट करने का निर्णय लिया था। काला नमक चावल दुनिया के अंदर सबसे अधिक विटामिन और प्रोटीन से युक्त, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्वादिष्ट चावल माना जाता है और ये मान्यता है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अन्नदाता किसान कृषि के क्षेत्र में भी नए नए अन्वेषण करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, नए नए रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने समय में भी प्रयास किया था। काला नमक चावल उसी की देन है। और जनपद ने अपने सिद्धार्थ महोत्सव के साथ कपिल वत्स महोत्सव, जो अब सिद्धार्थ महोत्सव के रूप में आगे बढ़ चुका है, इस महोत्सव के माध्यम से उसे एक वैश्विक पहचान दी और अब न केवल जनपद में बल्कि प्रदेश और देश के साथ साथ दुनिया के बाजार में भी काला नमक चावल की मांग इसका एक उदाहरण है। और आज मैं देखता हूं मेरे पास तमाम जगहों से मांग आती है कि आपके यहां का काला नमक चावल वो तो बहुत स्वादिष्ट है, ये हमें कहां मिलेगा। मैं कहता हूं आपको अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं वहां पर ये चावल आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां डिमांड करिए, ये ऑनलाइन आप तक पहुंच जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।